और ये हमारी ख्वाहिश होगी कि ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर दिल्ली तक पहुँचे और अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और हमारा तमन हमेशा इनके साथ रहेगा। बाकी इलाके के लोगों की भी फर्ज बनता है कि इनके साथ अमल किया जाए और इससे लोग ज़्यादा इंस्पायर हों और लोग ज़्यादा उनकी भी कोशिश होकर ऐसे मनसूबे अपने इलाके में शुरू करें ताकि हमारे इलाके को रोजगार मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिशियन होने का एक ये भी मसला होता है कि जब तक आप तकलीफ ना कर रहे हैं आपको खाना नहीं मिलता। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी मुझसे पहले यहाँ पर थोड़ी शख्सियात बैठी है हमारे मतलब पार्लियामेंट राजा सगीर साहब ने शुरू करवाए सबक MPA साहब जबकि सुभाष साहब भी मौजूद हैं तो मैं तो चाहता था कि वो आके यहाँ पर गुफ्तगू करें कि उनका इस इलाके से मदद भी है। बार मेरे लिए बड़ी इज्जत ऑनर की बात है कि आज मैं अभी मुझसे पहले गुफ्तगू हुई है उसमें ये कहा गया है कि इसका मेन मकसद जॉब क्रिएशन। ये बात सुनकर मुझे बहुत इतनी खुशी हुई कि मेरे सोचने के भी एंगल यही है कि जो भी काम किया जाए वो मुल्क की इफलाह के लिए किया जाए गरीब लोगों के लिए किया जाए। आज का तो ट्रेंड तो पहले तो यही था कि लोग जो जहाँ कमाते हैं वो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ये जो चौधरी नसीर साहब खावर साहब और शाह साहब मैं समझता हूँ कि मैं गुरु ख्वाजा नसीर पेश करता हूँ कि ये इन्होंने यहाँ अपने इलाके में इन्वेस्टमेंट की है जिससे गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग तो सोचते हैं कि भाई यहाँ शॉपिंग सेंटर होगा जो हमारे बच्चे आएंगे यूरोप से तो उनको शॉपिंग की फैसिलिटी मिलेगी वो यहाँ से खरीदारी कर सकेंगे आसानी से। लेकिन मैं मेरे नज़दीक इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो कलाकारी लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जिस तरह पहले फरमाया गया है कि तकरीबन उनका ये एजेंडा है कि हमारे मुल्क हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और इतना खूबसूरत सेक्टर जब मैं मुझे मेरे जहन में ये नहीं था नक्शा कि भाई इतना बड़ा नक्शा सेना के यूनिवर्सिटी में बनेगा सेंटर। लेकिन जब मुझे यहाँ विजिट करवाया गया तो मैंने देखा कि भाई यार ये तो मार्च की बात की है इन्होंने कि भाई अपने लोगों के साथ मिलकर अपने इलाके की इज्जत के लिए ये आप यही समझते हैं कि आप इस्लामाबाद को मतलब सेना में लेके आए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये भी है कि हमारे गांव के बेबल से कर लगे हमारा भी और उन लोगों ने ये सफा शुरू किया है। बिल्डिंगें तो खूबसूरत बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में। आप यकीन करें कि मैंने बहुत सारे लोगों का दौरा किया है। मुल्क की जो खूबसूरती होती है वो सिर्फ बिल्डिंगों से नहीं होती मुल्क खूबसूरत होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। मुल्क की सड़कें खूबसूरत हों उनके फुटपाथ खूबसूरत हों इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरत हों सफाई का ख्याल रखा जाए। मैं सी एम नहीं खाता हूँ बस लोगों से ये नहीं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो मुझे और जहाँ जहाँ कोई अपने घर में रह रहा है या कोई किसी की दुकान है या शॉपिंग मॉल है उसके सामने के जो अपने अपने हिस्से का जो एरिया है अगर उसको लोग साफ कर दें और उसको खूबसूरत बना दें तो हमारा और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। और एक बनती है कि अगर वो रोज़गार मिलेगा तो हमारे यहाँ के नौजवानों को मिलेगा हमारे लोग अकोमोडेट होंगे उनकी मुशियत बेहतर होगी उनका मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। तो शेर के साथ के मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन ये मनसूबा अपने आप में सितारों पे कुमन डालने के मुतरादिफ है। तो मुस्तमित हूँ जनाब चौधरी उस्मान खावर खावर साहब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बॉय और अपने ख्याल का इजहार करें आपके बच्चों तारीफ में चौधरी उस्मान खावर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जून में हमारा जो है ना ये कम्प्लीट हो रहा है तो इंशाल्लाह ये कलर सेना की हिस्ट्री जो है ना ये इंशाल्लाह एक होगी कि जो है ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बना है यहाँ पे कि जो बिल्कुल इसका नक्शा चेंज कर देगा हमारा जो है ना होगा कि जी ये सिर्फ और से मॉल में हम 3 या 5 50 बंदूक की नहीं है ये हमारे जो है ना पूरे
हम इसको एक बेहतर से बेहतर जो है ना इसको कलर सिन्हा की तारीख में ना एक अच्छा जो है ना इसको अपना एक शॉपिंग मॉल जो है ना वो बना सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप सारे आए अपना टाइम काम के जो ना हमारे थे। थैंक यू सो मच। इसके साथ मेरी फैमिली है, सारे मेरे दोस्त भाई सारे जो है ना वो एक है, और इसको बनाने में सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी टीम का है, जिन्होंने ना दिन देखी है ना रात देखी है, उन्होंने इस मॉल को तकमील के करीब लेके गए हैं। और इंशाल्लाह जो है ना जैसे शाह साहब ने बताया कि जून में हम इसको जो है ना इंशाल्लाह जो है ना वो ओपन करेंगे। दूसरा जो है ना इसका जो है ना जो मॉडल है बेसिकली हमने एक टिपिकली जो एक रियल स्टेट वाला एक होता है कि आपने दुकान बेचनी है और वो लेके चले, तो हम ये कर रहे हैं कि हम इस दुकान को बिल्कुल हमने एक मॉडल जो यूरोप में मॉडल है वही मॉडल हम यहाँ पर लेके आए। और ये कर से कहा कि क्या रावलपिंडी की सबसे पहली जो है ना ये एक है बिल्डिंग, इसकी एक फैसिलिटी रिपोर्ट हमने बनवाई है और ये दुनिया की टॉप फॉर्म से PwC से उनका एक प्रपोजल वाले हैं यहाँ पर, उनसे हमने जो है ना इसकी पूरी फिजिबिलिटी फॉर्म पूरी एक रिपोर्ट बनाई है। सेकेंडली जो इसका मॉडल तो हमने ये किया है कि दुबई रिसॉर्ट में जो हमने इसका शेयर्स को हमने कर दिया है, टोटल इस मॉल में 50 शेयर्स हैं और इस मॉल की चीज़ है कि जो भी इसमें से इनकम आएगी वो सबको मिलेगी। इट्स नॉट यदि आपने दुकान ली है अगर दुकान चलानी खाली हो गया तो बस आपका प्रॉफिट हो गया। हमने पूरे बिल्डिंग को लेके चले हैं, पूरी एक मैनेजमेंट एक कंपनी है उसको रन करेगी, सारी चीज़ें इसको वो लेके चले लानी ना। और ये जो है इसमें तकरीबन हमारी 14-15 इनकम डिफरेंट सोर्सेज हैं और एक स्टेबल जो रिटर्न चाहिए, जितने भी हमारे बाहर के भी हैं लोकल भी हैं जिनको एक स्टेबल रिटर्न चाहिए होता है उनके लिए सबसे बेस्ट है कि हम उसको जो है ना वो लेके जो है ना वो आए हैं, ताकि लोगों को जो है ना ये भी नहीं होगा कि समटाइम्स में जो है ना पैसे नहीं मिल रहे हैं क्या चीज़ें हैं, तो उनके लिए सबसे स्टेबल ये होगा कि उनको वो जो चीज़ें हैं ना उसमें मिल जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना थोड़ा सा मैं बता दूँ कि एक साल में सिर्फ एक साल में इसका जो है ना मिनिमम जो जब ये स्टार्ट होगी तो 1 बिलियन जो है ना इसमें जो है ना टर्नओवर होगा ट्रेडिंग होगी, तो जो कि सबसे बड़ा एक है कि इस इलाके में 1 अरब रुपया जो है ना लोगों का जो है ना वो सर्कुलेट होगा, बिजनेस आएंगे, जॉब क्रिएशन होगी। और सबसे अच्छी जो चीज़ है कि वो है जॉब्स का, तो हमारे पास तकरीबन डायरेक्ट तो 500 जॉब जो है ना डायरेक्टली जो इस मॉल में लोग काम करेंगे और हमारी तमाम लोग मौजूद हैं और सी ग्रुप कैसा आप लोग भी हैं, और ये हम कर सकते हैं, हम पाकिस्तान का ब्रांड बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में लोग पाकिस्तान आए इन्वेस्टमेंट करें, मगर ये सिर्फ उस वक्त होगा जब एक ब्रांड बनेगा जो लोग पहचान सकें। और सी ग्रुप वही ब्रांड बनने जा रहा है जो पूरी दुनिया में ना पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर सकता है, और पूरी दुनिया में लोग जब और सी का नाम देखें तो क्या ये वो पाकिस्तानी कंपनी है जो भरोसेदार है, जिस कंपनी में हमारे अहतमान हो सकता है, एतबार हो सकता है। तो आप लोगों से जो मेरी गुजारिश है आपको ये है कि जब आप टूर करेंगे इस बिल्डिंग का, अभी जब हम ये हमारी स्पीचेस जब ख़त्म होगी हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, कल परसों और आने वाले महीनों में भी हम आप सब के साथ मीटिंग्स करना चाहते हैं, ताकि ऑर्जी ग्रुप का जो ये नज़रिया है 2030 का हम इसको असलियत में तब्दील करें। मुझे पूरा यकीन है कि जो मैंने 7 साल में देखा है, आप लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे, और ये मैंने देखा है कि पार्टनरशिप की बुनियाद पर चीज़ें खड़ी होती हैं। आज ये जो बिल्डिंग है जिसके हम साए में बैठे हैं ये भी एक पार्टनरशिप की वजह से तामीर हुई है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे वो आपकी पार्टनरशिप के साथ की असलियत में तब्दील हो सकते हैं। तो हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम इस मिशन को अचीव करेंगे और 2030 में हम एक ऐसी चीज़ पेश करेंगे कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में लोग हैरान हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। 8 साल जो हमारा एक इम्तिहान रहा है जो चीज़ें हमने सीखी हैं, मगर 2-3 ऐसी चीज़ें जो मैं उनकी बातों पर वेट करना चाहता हूँ। हमने जब शुरू किया था आज से 8 साल पहले ये प्लान, तो हमारे पास सिर्फ 2 इन्वेस्टर होते थे और शायद टोटल हमारे पास जो 7 साल था इन्वेस्टमेंट का वो 50 लाख रुपए के करीब था। एक डेस्क होता था उस्मान भाई होते थे, मैं होता था उस वक्त, और हमारे पास ख्वाब बड़े बड़े थे मगर हमें पता नहीं था कि
किस तरह आप जो है ना इनकी काबिल का फैसला लिया? मुश्किल था बहुत। पिछले 7-8 सालों के अंदर जो सबसे फख्र की बात है वो ये नहीं है कि कितना पैसा है हमारे पास या ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। हमने जितने लोगों को नौकरियां दी हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने और लोगों के रोज़गार में इजाफा किया। और शायद यही वजह है कि आप सब आज इधर बैठे हैं, ये जो सारी बरकतें हैं, जो सारे लोग इधर मौजूद हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और इसलिए क्योंकि हमने और लोगों का पहले सोचा, अपना बाद में सोचा। आज मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताऊंगा, वो उस्मान भाई आपको बेहतर बता सकते हैं, मगर मैं आपको एक नज़रिए के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर हमने आज पूरा प्लान इस बिल्डिंग के अंदर लगाया है। ये 2030 का एक नज़रिया है अगले 10 साल का। उस नज़रिए के अंदर हम चाहते हैं कि हम मिनिमम अपने ऑर्जी ग्रुप के थ्रू 10,000 नौकरियों का इजाफा करें पाकिस्तान में। हम मिनिमम 100 मिलियन यूरो पाकिस्तान लाएँ वापस इधर लाएँ यूरोप से, और हम पूरी तरह ये करेंगे। हमें पता है इसका तरीका भी है, हमारे वहाँ बिजनेसेस भी हैं, और हम अभी पाक बिजनेस काउंसिल के थ्रू इस पर पूरा मनसूबा तैयार कर रहे हैं। मगर तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे। उस्मान भाई जो है उनका एक खास ये हुनर है कंस्ट्रक्शन का, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को जो है मलकियत दें, उनको अपने घर मिले और सस्ती कीमत के अंदर। अब ये जो नजरिया है इसको पूरा करने के लिए हमें मदद चाहिए आपको शर्मिंदा है ताबीर करने के लिए उस धरती का इंतखाब किया जो आपकी जन्मभूमि भी है। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ इस सारे प्रोजेक्ट के, बल्कि इस बिजनेस ग्रुप के चीफ कमर्शियल ऑफिसर जनाब तैमूर आदिल साहब से कि वो आए और हाजरीन को इसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स के हवाले से और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनकी दिलचस्पी का सामान क्या और कैसे वो अपने बिजनेसेस को इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करके अपने कारोबार को वसत दे सकते हैं, फरोग दे सकते हैं, इस हवाले से मैं मुल्तमिस हूँ आपके तालियों में चीफ कमर्शियल ऑफिसर जनाब तैमूर आदिल साहब। हमें आप लोगों के तामन की जरूरत ना किसी माली मामला ना किसी और तरीके से चाहिए, बस आपकी हौसला अफजाई चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट नहीं बनके इस तरह के बहुत सारे लोग इस दौड़ में हमारे साथ शामिल हों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंप्लीट हो जाएगा हम बेटा टूर स्टूडियो का जो इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। 1 साल और 3 महीने के अंदर ये बिल्डिंग खड़ी है, खाने के बाद आप सबको विजिट कराएंगे। जो जाना चाहता है, जो पूछना चाहता है, उसके लिए सारी यहाँ पे मालूमात है। और अब मैं हल्का बेबी सेवन समाजी शख्सियत नाथ मुजीब हजर आजाद हुसैन साहब की तशरीफ फरमा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। तमाम चीज़ें दस्तियाब होंगी, मगर सस्ती कीमत
इसके अंदर सप्लाई चेन भी होता है, इसके अंदर मार्केटिंग भी होती है, इसमें सेल्स भी होती है, इसमें इन्वेंट्री वाले भी होते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले भी होते हैं। तो ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझता हूँ कि आप मतलब हर शहर में और अगेन जो इस इलाके की जो तमाम देहाती इलाके हैं यहाँ जो चीज़ें बिल्कुल जो चीज़ें यहाँ उगाई जाती हैं, जो चीज़ें यहाँ प्रोसेस की जाती हैं, वो आप बेच सकते हैं। समाजी शख्सियत नाब मंजीत राजा मजाक हुसैन साहब भी तशरीफ फरमा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत से लोग जो मवासलाती रबते के जरिए पूरी दुनिया भर में हमें देख रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ जुमला इंतजामिया की जानब से अब्दुल अजीज पाशा साहब का, पाशा टीवी की तरफ से यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जनाब हबीबुर रहमान कुरैशी साहब خاص کر ہماری طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتے ہیں، میں مولاد پورا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذریات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتے ہیں، میرے مولاد پورا اللہ کریم رحمت فرما، فضل فرما، کرم فرما، سلامتی عطا، اللہ کریم مہربانی اور آسانی عطا، اللہ کریم کرے پیارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ کریم انہوں نے روزگار کے لیے کھولا میرے مولا، اللہ ان کے کاروبار میں برکت آتا، ہم سب کی خیر فرما، سلامتیاں عطا کر، اللہ کریم تیرے پیارے پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دعائیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ یہاں پہ یہ سارے تیرے نیک بندے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب مسلمان کٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیرے بغیر کر ہی ہیں میرے مولا، یا جلال علی کرام یا سلام یا محمد اللہ یا سنی ہے یا بصیر ہے، اللہ تو سننے والا ہے جاننے والا ہے، میرے مولا اپنا کرم فرما فضل فرما، اللہ ہم سب کی بھی خیر فرما، میرے مولا ہماری بیٹیوں کو شرم یا اور پردہ ڈال دیں، فرما پردہ کریں، اللہ رزق حلال کمانے کی اور کھلانے کی توفیق عطا کر، اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ کھانا کھلانا انبیاء کی سنت ہے میرے مولا، اللہ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے اللہ تیری بن جائیں اور سارے قلم اگر دخت بن جائیں، اللہ کریم کی تعریف ممکن نہیں ہے میرے مولا، اللہ ہر چیز کا مالک اور مختار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کریں میرے مولا، ہمارے اس علاقے قدر سیکنا کی، بیبل کی، اس پوری تحصیل کی، گجرفان کی خیر فرما میرے مولا، آسانی عطا کریں، اللہ کریم ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہیں میرے مولا، اس کرونا جیسی وبا سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھیں، اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور سلامتیاں اور عافیت عطا کر، اللہ کریم ہر قسم کے شر سے اس مال کو بھی میرے مولا، ان کے والدان کو، عثمان صاحب کو، تیمور صاحب کو، شداد شجاد شاہ صاحب کو، اللہ کریم ہر قسم کے شر سے، شر نفس سے، ظالم و فاسقوں و منافقوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ ہم سب کو، اللہ ہم سب میری بار کے علم جزل میں کھڑے ہیں میرے مولا، اس سے دعا مانگتے ہیں میرے مولا، مہربانی عطا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا خیر خلقی نور محمد وآل محمد وصحابہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔